वेलकम बैक टू अवर चैनल। होपफुली आप भी वैसे ही मजे कर रहे होंगे जैसे हम लोग करने जा रहे हैं या करने की सोच रहे हैं। सो हम लोग जा रहे हैं महाबलेश्वर। जी हाँ, आज है 30th ऑफ दिसंबर, कल है 31st। न्यू ईयर तो नहीं वहाँ मनाएंगे, कल हम वापस आ जाएंगे। सो एक दिन की ट्रिप है, वहीं पे हॉल्ट भी है। सो यहाँ बीच में हम अभी रुके हैं सतारा घाट से पहले कृष्णा प्योर वेज पे। अगर आपको दिख सकता हो तो दिस इज कृष्णा प्योर वेज। सो होपफुली अच्छा था यहाँ का नाश्ता। आप भी आए हैं तो प्लीज कर सकते हैं, हमने मिसल और इडली सांभर लिया। सो ओवरऑल इट्स गुड, आप भी आए एंजॉय करें। अभी हम लोग जाते हैं, ज़्यादा ब्लॉगिंग तो नहीं करेंगे इस बार। सो देखते हैं कैसा रहता है। मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, फुल ऑफ मिस्ट फॉग एंड ऑल। सो लगा था काफ़ी धूप वूप होगी, बट आज एकदम ही मौसम चेंज हो गया। सो होपफुली महाबलेश्वर में एकदम फॉगी ना हो, नहीं तो फिर व्यूज़ नहीं दिखेंगे, पॉइंट्स नहीं दिखेंगे। होपफुली लेट्स सी हाउ इट इज। स्टे ट्यून्ड इन आवर चैनल एंड आगे मज़ा आने वाला है। होपफुली देखते हैं, मजे करेंगे साथ में आपके साथ। स्टे ट्यून्ड इन दिस व्लॉग टिल द एंड। सुबह का ब्रेकफास्ट करके हम लोग बढ़ चले महाबलेश्वर की ओर, और जैसा मैंने आपको बताया ये था उस दिन का नज़ारा। फुल फॉगी, फुल चिली, और क्या ही बताऊँ, बहुत ही मस्त एनवायरनमेंट था। एंजॉय करें हमारे साथ आप भी ये ड्राइव। सो महाबलेश्वर पहुँचते ही हमें ये एक नज़ारा देखने को मिला, ये है बिल्लर वाटरफॉल। यहाँ से आपको काफ़ी वाटरफॉल देखने को मिलते हैं लेकिन बारिश के समय, बट फिर भी काफ़ी अच्छा नज़ारा था। सो हम रुके थोड़ी देर, यहाँ एंजॉय किया और बढ़ चले, और ये रहा महाबलेश्वर मंदिर। काफ़ी फेमस है, मतलब अगर आप महाबलेश्वर आए और यहाँ ना आए तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये रह जाएगा कि अरे यार काश मैं यहाँ आके अपना मत्था टेक आता। जैसे ही आप यहाँ आएंगे आपको अलग अलग दुकानें देखने को मिलेगी। यहाँ पे आके आप थोड़ी सी शॉपिंग कर सकते हैं, कुछ खा सकते हैं, फल फ्रूट खा सकते हैं, और स्ट्रॉबेरीज़, रास्पबेरी ये यहाँ पे काफ़ी आपको मिलेंगे जो आप खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। हैंडीक्राफ्ट्स और अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आप देख सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। अचार, पापड़, अलग अलग प्रकार के जेलीज एंड ऑल यू कैन हैव इट। सो काफ़ी मज़ा आएगा आपको, एंजॉय करिए ये जर्नी जो आपको पार्किंग से लेके मंदिर तक की रहेगी। और इसके बारे में अगर आपको जानना है तो मैं आपको भी जस्ट शेयर करता हूँ, आप इस मंदिर के बारे में पढ़ सकते हैं कि क्या है इस मंदिर की विशेषताएँ, और आपको भी पता चल जाएगा कि क्यों ये मंदिर इतना फेमस है। महाबलेश्वर में दर्शन करके हम बढ़ चले पंचगंगा मंदिर की ओर। ये इसके नज़दीकी है। इसका नाम पंचगंगा इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे कोयना, कृष्णा, वेन्ना, सावित्री और गायत्री ये पांच अलग अलग नदियाँ यहीं एक एकत्रित होती हैं। सो आप भी आएँ यहाँ पे, एंजॉय करिए, देखिए कि कैसा अनुभव मिलता है पाँच नदियों को देख के। यहाँ से हम लोग बढ़ चले एल्फिंस्टन पॉइंट की ओर, और ये नज़ारा भी काफ़ी सुंदर था। ये संकरा रास्ता, आजू बाजू ये घने वृक्ष, हरियाली, एक चैलेंजिंग रास्ता जिसमें आपको गाड़ी चलाने में बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि जब भी सामने से कोई गाड़ी आती है आपको हल्की सी साइड में लेनी पड़ती है और को वेट करना पड़ता है दूसरे के जाने का। सो एक राइड के हिसाब से आप अगर एंजॉय करना चाहते हैं ड्राइविंग स्किल्स तो ये भी जगह आपके लिए बहुत अच्छी है। और ये हम पहुँच गए हैं एल्फिंस्टन पॉइंट। इसके बारे में मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं बता पाऊँगा क्योंकि एक पॉइंट है। यहाँ से आपको अलग अलग रेंजेस, सह्याद्री रेंजेस देखने को मिलेंगी, घाटियाँ देखने को मिलेंगी, और अद्भुत नज़ारे हैं। आइए एंजॉय करिए हमारे साथ भी, और देखिए कैसा लगता है ये सिनेमैटिक शॉट्स आपको।
एल्फिंस्टन पॉइंट पे थोड़ा समय व्यतीत करने के बाद हमने अपना रुख मोड़ा अपने होटल की तरफ जो था वेना हिल। द वेना हिल ये वेना लेक के जस्ट अराउंड 1 किलोमीटर या 900 मीटर की दूरी पे है और बगीचा कॉर्नर के जस्ट बैक साइड में। आप ज़रूर यहाँ आएँ और आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। दिस इज द रूम इन नियर वेना लेक। सो इस बार हमने ट्रिबो का एक्सप्लोर किया रूम। सो इट्स लुकिंग क्वाइट गुड। सो ये टीवी दिया है, डोंट नो चलता है नहीं, देखते हैं। हाय, व्यू भी काफी अच्छा है। स्ट्रॉबेरी गार्डन टाइप जगह है, व्यू भी अच्छा है ओवरऑल। काफी स्पेशियस है रूम, ऐसा नहीं कि छोटा सा रूम दिया है। इट्स वेरी गुड। सी द टॉयलेट की बॉम्बिंग एरिया, काफी बड़ा टॉयलेट है, इतना बड़ा बाथरूम एरिया एंड स्पेशियस, टू बिग। सो थोड़ा फ्रेशन अप होके हम लोग आ गए वेना लेक पे। वेना लेक के पास ये घोड़े बहुत आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे आप हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं और ये स्टंट करके आप अलग अलग फोटो खिंचवा सकते हैं। सो आप एंजॉय कर सकते हैं ज़रूर। अगर आप बच्चों के साथ आएँ तो वो तो बहुत एंजॉय करेंगे और आप भी, आप फोटोज़ खींच के क्लिक कर सकते हैं, रील्स बना सकते हैं एंड यू कैन एंजॉय अलॉट हियर। सो चलते हैं वेना लेक के पास, थोड़ी सी बोटिंग करते हैं और दिखाते हैं आपको वहाँ के नज़ारे। यह है वेना लेक के चार्जेस। मैं आपको सजेस्ट करूंगा 400 वाला, हाफ एन आवर वाला विथ ड्राइवर, उसमें आप उसको 200 रुपये और दे सकते हैं और आप फुल एंजॉय कर सकते हैं। बट अगर आप ग्रुप के साथ आते हैं तो आप पेडल बोट ले सकते हैं और आप पूरा एंजॉय कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। बहुत सुंदर झील थी दोस्तों, ये वेना लेक या वेना डैम से निकला हुआ पानी है, बैक वाटर्स कह सकते हैं। बहुत सुंदर है, आजू बाजू ये जो पर्वतीय श्रृंखला आपको देखने को मिलती है, फॉगी मिस्ट एनवायरमेंट, सनसेट होता हुआ दिखेगा आपको। सो एक अलग ही अनुभव देखने को मिलेगा, आप एंजॉय करिए। डल लेक कभी देखने को मिली तो ज़रूर कंपेयर करूँगा, लेकिन आज मेरे लिए और शायद आपके लिए यही डल लेक है। तो आप भी हमारे साथ एंजॉय करिए इस वेना लेक को। वेना लेक पे आके आप कॉर्न चाट जरूर ट्राई करिएगा, खास तौर पे बटर या चीज कॉर्न चाट, बहुत मजा आएगा। कॉर्न चाट खा के वेना लेक पे बोटिंग करके हम लोग बढ़ चले महाबलेश्वर मार्केट की ओर। मैंने यहाँ पे ज्यादा शूट तो नहीं किया, लेकिन आप यहाँ पे अलग अलग चीजों की शॉपिंग कर सकते हैं, जैसे चप्पल्स, रजाइयाँ, आपके कंफर्टर्स, जेली, स्ट्रॉबेरीज, हैंडीक्राफ्ट्स, वो काफ़ी अच्छा मार्केट है। खाने पीने की भी बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं, आप ज़रूर आएँ, एंजॉय करें महाबलेश्वर मार्केट। और ये हम पहुंच गए बगीचा कॉर्नर के पास, ये हमारे होटल के जस्ट नज़दीक पे था, तो सोचा क्यों ना यहाँ आएँ और यहाँ की फेमस स्ट्रॉबेरी विथ क्रीम खाएँ। देखिए आप भी, बहुत सुंदर लग रही है ना, बहुत सुंदर भी थी और बहुत टेस्टी भी थी। इसके साथ कॉर्न पैटिस ज़रूर ट्राई करिएगा। मुझे भूख बहुत लग रही थी इसलिए हमने पहले ही निपटा दी, तो उसकी फ़ोटो नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन आप आएँ ज़रूर वो खाएँ, एंजॉय करिए। यहाँ पे मैप्रो से कई गुना अच्छी टेस्ट मिलेगी आपको और ऑप्शंस भी। सो पैसा वहाँ ना खर्च करें, बगीचा कॉर्नर में आएँ, एंजॉय करें।
दूसरे दिन का आगाज़ हमने किया मैप्रो गार्डन की ओर से। मैप्रो गार्डन ये काफ़ी सुना हुआ नाम है, जो भी महाबलेश्वर आता है तो ज़रूर मैप्रो गार्डन में आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो डिशेस हैं, यहाँ की जो शॉपिंग आइटम्स है, काफ़ी यूनिक है, जो आपको शायद ही कहीं मिले। हाँ, इनकी फ्रेंचाइजीज़ हैं जो आपको पुणे में भी मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ आके वो शॉप करना या वहाँ पे परचेज़ करना काफ़ी अलग ही अनुभव है। आप यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं उनकी चीज़ों को और देन परचेज़ कर सकते हैं, तो एक अलग ही अनुभव मिलता है। उसके बाद ये फ्लावर्स और एक ग्रीनरी, बहुत ही अच्छा गार्डन है दोस्तों। आप यहाँ पे अलग आके बहुत फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं। सो आएँ, एंजॉय करें। और ये है यहाँ की लाइव खाकरा फैक्ट्री, यहाँ पे आपको लाइव खाकरा बनते हुए देखने को मिलेगा। सो आप देखिए कैसे बनता है खाकरा यहाँ के। और ये है इनका रेस्टोरेंट, जहाँ पे आपको सैंडविचेस, आइसक्रीम और पिज़्ज़ा बनते हुए देखने को मिलेगा, और यहीं से आप इनको पिक कर सकते हैं और आनंद ले सकते हैं यहाँ के भोजन का, यहाँ के स्नैक्स का, जो भी काफ़ी यूनिक है लेकिन काफ़ी कॉस्टली है। सो ध्यान रखिएगा इस बात का। मैप्रो गार्डन के बैक साइड में यहाँ का फार्म है स्ट्रॉबेरीज़ का, यहाँ ज़रूर आएँ और यहीं से स्ट्रॉबेरीज़ परचेस करें। काफ़ी टेस्टी और यमी स्ट्रॉबेरीज़ आपको देखने को मिलेगी और खाने को मिलेगी, जो आप यहीं से परचेस करें, अलग कहीं भी जाएंगे आपको वो टेस्ट नहीं मिलेगी। तो और ये हम आ गए हमारे लास्ट पॉइंट, जो कि है पारसी पॉइंट की तरफ। पुणे की तरफ जाते समय आपको लास्ट पॉइंट पड़ेगा, सो ज़रूर जाते वक्त इसे एक्सप्लोर करें, काफ़ी अच्छी जगह है। यहाँ जाते समय आपको अलग अलग टाइप के खाने की चीज़ें मिलेंगी, वो भी एंजॉय करें। सो काफ़ी यूनिक है ये जगह, ख़ास तौर पे ये चीज़ जो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। जी हाँ, मैं इसी पुल की बात कर रहा था, ये हिलने वाला पुल है। सो काफ़ी मज़ा आएगा आपको यहाँ पे एंजॉय करते समय। देखिए ये लोग आए हैं और यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, आप भी आएँ, काफ़ी अच्छे पिक्स निकलेंगे, काफ़ी अच्छे फ़ोटोज़ आती हैं वो सामने वाले पॉइंट से। आप आएँ, एंजॉय करें और थोड़ी चीज़ें इग्नोर करें। यहाँ पे काफ़ी आपको ज्योतिषी मिलेंगे, जो आपका भविष्य जानने में काफ़ी इच्छुक होंगे, उनको ज़रूर अवॉइड करें। आगे मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, आप समझदार हैं, आप समझ गए होंगे मेरा इशारा। और यही करते हम हमारी जर्नी ख़त्म, मिलते हैं ऐसी किसी जगह पे जल्द से जल्द। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बने रहें इसी चैनल पे फॉर गुड कंटेंट कमिंग अप इन नियर फ्यूचर। थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर।